टिकेगा? तरीके पांच गो पांच पटका मारे हैं, छठा मैडम मारेंगे कौची आंधी में कौन क्या? 1 लाख पार होंगे, विरोधिया सब देख रहा है, हालत खराब है, जमानत जब्त हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जैसा आदमी है वैसे अस्थिर हो गया, आदमी जो है अस्थिर हो गया। दुकान में रैली देखे ले, मैडम के एक झलक देखे ले। अब हमारा ही बतावे ललन सिंह कि कौन पढ़ाई पढ़ाता है गाड़ी में और स्कूल में, समझ में आ जाएगा? अनंत सिंह जिंदाबाद। क्या चीज मकामा जाइएगा तब पता चलेगा। मोदी जी दिया तो बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन कराने के लिए कहा नहीं आया, जमानत जब्त करवा के। मोदी क्या विकास किया? एगो हॉस्पिटल है मकामा में। मोदी आवे चाहे ओबामा, हमेशा जीतेंगे विधायक जी मकामा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत अभी यहाँ पर बाढ़ में हूँ। और नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी अभी नामांकन के लिए आई हैं और उनके समर्थक हैं। क्या कुछ कहेंगे भैया, क्या लग रहा है यहाँ? एकदम जीत है 100%। इतना भीड़ उतार दिए हैं नामांकन? हाँ, नामांकन में भीड़ है, कोई टक्कर में नहीं है, बीजेपी बेकार में। नीलम देवी का नाम है जीत है, नीलम देवी का नाम है जीत है, मोकामा से। विकास उकास हो रहा है पूरा, तो विकास पूरा, बोलिए का जरूरत नहीं है। आंधी है आंधी, कोई नहीं टिकेगा। तरीके पांच गो पांच पटका मारे हैं, छठा मैडम मारेंगे कौची आंधी में कौन, कोई नहीं आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है मोकामा को, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा से पकड़ो नहीं यार, कहे जोश में आ जाओ। भान सिंह अगले बार भी थे साथ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी कुछ कर ले, नीलम देवी को जनता मतलब भारी बहुमत से जिताएगी। भान सिंह जो जो जीते हैं उसमें 72,000 वोट से नीलम देवी जीत रहे। 72,000 वोट से। आप कहाँ से हैं? हम पंडारक से हैं। पंडारक भी तो मुकामे में पड़ता है। हाँ, मोकामा विधानसभा। हाँ, वहाँ पे कोई ऐसा बताया जा रहा था कि सूरजभान सिंह ललन सिंह मिल गए हैं, तब समीकरण कोई नहीं है, कोई सिंह नहीं है, चुनाव तो हम कहिए जीत गए हैं, बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है, चुनाव हम कहिए जीत गए हैं। चले देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार से क्या बदल दो, ताज बदल दो, छठा सरकार जिंदाबाद। मोकामा में क्या चीज, मोकामा जाइएगा तब पता चलेगा ना क्या चीज। विधायक मैं है, कोई उपाय नहीं है किसी को। मोदी जी दिया तो बोल रहे हैं कि नॉमिनेशन कराने के लिए कहा नहीं आया, जमानत जब्त करवा के भेजवा देते। हाँ, मोदी क्या विकास किया? एगो हॉस्पिटल है मोकामा में, एगो हॉस्पिटल है, एगो स्कूल ठीक है। आए? कहीं पानी चल रहा है, कहीं नहीं चल रहा है, वो किसका जिम्मेवारी है? केंद्र सरकार का जिम्मेवारी है। कंपनी विधायक कहीं चालू किया है तो मूर्ख वाला बात नहीं है। और कोई बोलिएगा भाई, वो नहीं हम जानते हैं, कंपनी विधायक जी करें। लेकिन हाँ, अब की सरकार में विधायक जी कोशिश करेंगे सारा चीज, सारा सिस्टम मोकामा का चालू करेंगे। 15 लाख आया ने, घड़ी घंट लोटा थारी कुल बजा रहा है, कोई उपाय नहीं है। मोदी जी आकर आ रहे हैं, योगी योगी आवे चाहे मोदी, कोई उपाय नहीं है। मेरा पहला एगो कहावत था, मोदी आवे चाहे ओबामा, हमेशा जीतेंगे विधायक जी मोकामा। मेरा नाम हुआ बजरंगी सिंह, मोकामा चिंतामणि चक। विधायक जी विकास के साथ साथ जनता के इतना ना सम्मान दिए है ना, विकास से भी ज्यादा सम्मान दिए हैं जनता के, इसलिए इतना ना जनता व्याकुलता है कि विधायक जी के लावेंगे जिताएंगे। हाँ, सम्मान दिए हैं, इसका सम्मान का बदला सम्मान देंगे। तो जीत तो तय है, तो एकदम जीत तय है, अब इसमें कहने का कुछ।
अरे इतिहास तो हम बदलते रहते हैं, वो कहाँ से बदलेगा इतिहास? हर हमेशा इतिहास हम बदले हैं, हमारे विधायक जी बदले हैं। हमारा घर बाढ़ हुआ, बाढ़ बाढ़। अब कहाँ से क्या समस्या है? मोकामा मगन सिंह मई है, हाँ कोई समस्या ना, सब चीज बना हुआ मोकामा का, जनता का दिया आनंद सिंह जी। मोकामा में कोई समस्या है? और बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, समस्या गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। विधायक जी समस्या का निदान? नहीं नहीं यही है बस, अकेला भी विकल्प अनंत सिंह है, अनंत सिंह ही विकल्प, समस्या का निदान यही करेंगे बस बस। हम तो कहेंगे कि मोकामा की समस्या को जो बात कर रहे हैं, समस्या तो कुछ नहीं है, जब तक अनंत मैं पांच बार लगातार ये जीतते चले जा रहे हैं, पांच बार तो जीत चुके, हर बार एवरेस्ट जाते बनेंगे मंत्री, मैडम जी बनेंगे, बस खाली सर्टिफिकेट 6 तारीख को मैडम लेंगे, मंत्री भी बनना उसी दिन तय है, फिक्स। तमाम मैं लगातार दिखला रहा हूं और बातें करवा रहा हूं। जन सैलाब है, ये जन सैलाब है, मोकामा की लोग देख रहे, पूरा मोकामा विधानसभा के लोग यहाँ आए हुए हैं, इससे अंदाजा आप लगा सके किस तरह से जन सैलाब है। ये जन सैलाब देख के समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मैं रविकांत, में इतना जोशो खरोश है, आप देख लीजिए कि री इलेक्शन में कितना जोशो खरोश है, हम लोग मोकामा विधानसभा से आते हैं और पूरे जोश से आए हुए। नमस्कार, मैं रविकांत, यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीलम देवी अभी नामांकन करने के लिए निकल चुकी हैं बाढ़ से, और यहाँ पर अभी नीलम देवी जिंदाबाद, नीलम देवी जिंदाबाद। क्या कहिएगा अभी? कहना क्या है, 1 लाख पार होंगे, विरोधियां सब देख रहा है, हालत खराब है, जमानत जब्त हो जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जे जे आदमी है वो जे अस्थिर हो गया, आदमी जो है अस्थिर हो गया, दुकान में रैली देखे ले, मैडम के एक झलक देखे ले, अब हमारा ही बतावे ललन सिंह कि कौन पढ़ाई पढ़ाता है गाड़ी में और स्कूल में, समझ में आ जाएगा। अनंत सिंह जिंदाबाद। अच्छा अभी सूरजभान सिंह कल मिले हैं और ऐलान किए हैं मिलके कि वहाँ पर क्या होगा, मतलब मिल गए हैं, सूरजभान सिंह बोले हैं कि मोदी के नाम पर स्वागत है, आइए मोकामा में घूमिए, मोकामा की जनता से आप परिचित हैं, पहला बार आप आ नहीं रहे हैं, आइए घूमिए, पता चल जाएगा कौन जमीन पर है और कौन ऊपर में है। सही ना बोली है कि यहाँ मोकामा में कीचड़ नहीं है, और जब कीचड़े नहीं है तो कहाँ से कमल खिलेगा, कीचड़ रहेगा तो ना कमल खिलेगा, बुझते ना बात, इसलिए निफिकिर रहिए, बहुत बढ़िया जीत हासिल करेंगे हम लोग, जिंदाबाद। अब ये देख लीजिए सर्वे करके पता चल जाएगा दोनों तरफ जनता, अभी भी चलिए कोर्ट तक आपको दिखाते हैं, नीलम देवी जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद। यहाँ पर देख रहे होंगे कि नीलम देवी किस प्रकार से आ रही हैं और अब यहाँ से निकलेंगे नामांकन के लिए। बस नीलम देवी जी का जीत पक्की है, कोई यहाँ रोकने वाला नहीं है, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर सभी महागठबंधन के साथ ही इस महासंगम में लोग आए हुए हैं। अरे भाजपा वाला चला गया है ना, वो कहीं है ही नहीं, गोपालगंज भी हारेंगे और मोकामा भी हारेंगे।
निश्चित तौर पर आएंगे। अभी हम लोग तो आए हुए हैं, सभी पार्टी के लोग आए हुए हैं, नीतीश जी आएंगे। देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम लोग अभी यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। और क्या कहिएगा? अरे यार हट जा, हट जा, हट 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 जा। यहाँ पर अभी देख रहे होंगे कि किस प्रकार से ये लोग क्या है। आप देखिए, आप बताइए, आप बताइए, भीड़ पूरा है तो देखिए ना इधर भीड़। अरे इधर मत लीजिए, एक मिनट महोदय साहब, इधर भीड़ दिखाइए सर। हाँ, वोट सरकार जिंदाबाद। भीड़ पूरा लग रहा है ना, पता चल रहा है कि विधायक जी का जलवा क्या है। जलवा ही जलवा है, कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं, कोई टक्कर नहीं। जाम जाम जनता है साहब, कहाँ है जनता को, कहाँ भगाइएगा जनता आ रहा, कहाँ भगाइएगा जनता को। जनता आ गया पीछे पीछे। नीलम देवी जिंदाबाद, 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 नीलम देवी जिंदाबाद। क्या हुआ? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, अनुमान से ज्यादा। देख रहे होंगे यहाँ पर किस प्रकार से मोकामा में अभी पूरा एकदम हुआ है, पूरा भीड़ लगा हुआ है और जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप क्या, आप कहाँ के हैं? मोकामा विधानसभा के हैं, पंडार है, गोपकीता। काका घूमे तो काका पता, देख लिए माहौल, देखिए ना पहले देख लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। कहा जा रहा है मोकामा में विकास नहीं होता है, विकास बिना विकास से रहला है, दिख नहीं रहा है विकास, बिना विकास के विधायक जी का इतना जन सैलाब है। भाजपा वाले बोल रहे थे, क्या होगा, क्या बोलेगा वो, छोटे सरकार जिंदाबाद, क्या बोलेगा जो भाजपा वाला चोर है, वो क्या बोलेगा। पहले 15 लाख रुपए दे, पहले 15 लाख रुपया पहले दे कुल के अकाउंट में, उसके बाद बोले पहले 15 लाख रुपया दे। 15 लाख हमको दे दे मोदी जी, काम घट जाएगा, काम घट जाएगा। हाँ, मोदी जी पहले दे तब न, मोदी जी पहले दे 15 लाख, तब न हिसाब जनता देगा। और जनता काफी जोश में यहाँ पर लग रही है, हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं और भी लगातार। धन्यवाद।